आज इस वीडियो में शेयर करूंगी मैं आपसे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह से आप साबुदाना को भिगा सकते हैं ताकि आपकी जो खिचड़ी है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एक कटोरी में हम साबुदाना लेकर उसे इस तरह से एक बोल में डाल लेंगे। और सबसे पहला स्टेप है अच्छी क्वालिटी का साबुदाना यूज करना। कोशिश करें कि जो पैकेट्स में साबुदाना आता है वही यूज करें, अच्छी क्वालिटी का होता है और अच्छे से खिलकर बनता है। अब सेकंड स्टेप है इसे अच्छे से वॉश करना। तो इसमें पानी डालकर इस तरह से हल्के हाथों से मसलते हुए हम धो लेंगे। हमें इसे 2 से 3 बार तक धोना है और जो ये आप व्हाइट पानी देख रहे हैं उसे हमें इसमें से हटा लेना है। दूसरी बार भी इसे हम धो लेंगे और जो पानी है उसे निकालकर अलग कर लेंगे। अब बारी है थर्ड और मेन स्टेप की। अब हमें इसे भिगाना है। इसमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से भीग जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, जिस लेवल तक आपका साबुदाना है उससे थोड़ा सा ऊपर ही हमें पानी डालना है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ तक साबुदाना है और इसके हल्का सा ऊपर ही हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इतने से पानी में ही आपका साबुदाना बहुत अच्छे से भीग कर रेडी हो जाएगा। अब इसे ढककर हम ओवरनाइट के लिए रख लेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो 4 से 6 घंटे के बीच में भी यह साबुदाना बनकर रेडी हो जाता है। अब इसे हम चला लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और खिला खिला दाना है इसका। बिल्कुल भी चिपके नहीं है, ये अलग अलग है। मैं आपको इसे प्रेस करके भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये। और इस तरह से जब आप साबुदाना को भिगाते हैं तो किस तरह से आपकी खिचड़ी बनकर तैयार होती है ये आप देख सकते हैं। इन्हीं साबुदाना से मैंने ये खिचड़ी बनाई है। अगर आप ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैं ये वीडियो का अपलोड करने वाली हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को इजिली देख सकते हैं।